Rajesh, welcome to Times of India. Thank you so much. And how are you doing? Recovered pretty well. Aaj thoda sa aisa suddenly cold type ka ho gaya. But I think it's because achanak se dhoop, achanak barish, achanak sab kuch. So yes. Body ka immune any which ways abhi corona ki wajah se thoda down hai. So unnecessary ek aaj ek din wapas thoda cold type ka hai, but rest everything, all the parameters are fine. Okay. And have you gone through another test or you're waiting? I'm getting it done tomorrow. So abhi tak health waise things are pretty much okay. Haan, absolutely, matlab weakness vagera kuch bhi nahi hai ab. Cold, cough, ye sab tha bhi nahi pehle bhi. Aur taste aur smell is coming back. It's like 40% back now. अदरवाइज पूरा मतलब सडनली आदमी स्पिरिचुअल हो गया था. व्हाट इज फिल्थ एंड व्हाट इज फ्लावर, एवरीथिंग वाज सेम बिकॉज यू कांट स्मेल द वर्ल्ड. आई नो एंड यू नो जब रिपोर्ट आया या जब सिम्टम्स हो रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ यू नो फीलिंग्स वर यू गोइंग थ्रू? डर लग रहा था, नर्वसनेस, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो हम में से पहले किसी ने भी यू नो एक्सपीरियंस नहीं किया, पता ही नहीं है कि किस दुश्मन से लड़ रहे हैं. To be very honest, in fact, जो डॉक्टर मुझे बताने वाले थे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, उससे ज्यादा नर्वस कहीं ना कहीं बेचारे वो लग रहे थे. उन्हें लग रहा था कि शायद मैं नर्वस हो जाऊंगा. सो आई जस्ट सेड यू नो इधर इट विल बी नेगेटिव और इट विल बी पॉजिटिव, देयर इज नो थर्ड वे. राइट. सो इफ यू टेल मी आई एम नेगेटिव, देन आई विल गो बैक यू नो ऑन शूट, आई विल रिज्यूम शूटिंग. If you will say positive, then I need to work on few other things. So, I was never nervous about it because एक तो body कोई symptom दिखा नहीं रही थी उस तरीके का कि थोड़ा डर लगे, और बाकी सारे parameters normal थे. तो India में तो ज़्यादा asymptomatic और you know इस तरह के हल्के फुल्के जुकाम के साथ चीज़ खत्म हो जाती है. Mild symptoms, हाँ. Mild symptoms, तो वो cases ज़्यादा हैं. So I think I was motivated more because ki haan chalo mild symptom hai, nikal jaye, ek bar ho jaye better hai, kyunki woh na shoot pe phir hamesha ek zabardasti ka dar laga rehta tha ki yaar ho gaya to acha ho gaya to ho gaya. So ab normal lag raha hai, ab lag raha hai ki chalo acha hai, ho gaya. Now at least for 3-4 months jab tak antibodies hain tab tak aadmi raja hai. घर पे यू नो फैमिली साथ में रह रही थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि यू मस्ट बी वरीड अबाउट देम. हाँ, मतलब वो एक फियर जरूर था, तो इसलिए अजीमो शान शहंशाह जिसके दरबार में कोई नहीं था, उस टाइप से एंट्री हुई मेरी. मतलब पूरा कॉरिडोर और सब बेडरूम सब लोगों ने अपने आप को लॉक कर लिया, फिर मैंने अपने आप को लॉक किया जी. और उसके बाद से भिक्षाम देही वाले जोन में जी रहा हूँ. बाबा के आश्रम में दरवाजे पर खाना रखा हुआ है, बाबा ले लीजिए. सब आपकी सर्विस में है लेकिन कोई दिखाई नहीं देगा. कोई दिखाई नहीं दे रहा है. बट नाउ इट्स फाइन यार, इट्स वे बेटर. तो आई थिंक कल रिपोर्ट एक बार आ जाए फिर नेगेटिव जो भी है. तो आप शूटिंग करके कितना टाइम हुआ था जब आपने यू नो आपको पता चला कि यू हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना? आई थिंक शूट एक तो उसके पहले वो हो गया था ना, गणपति का भी था, गणपति की छुट्टी थी. हाँ राइट. तो मुझे जहाँ से फील हो रहा है कि ये हुआ है, वो मैं जब वो फ्लावर वगैरह खरीदने गया था बाहर, तब शायद मुझे फील हो रहा था कि उस समय आया होगा, बिकॉज मैं थैंकफुली शूट पे पहुंचा नहीं था और उसके पहले सिम्टम्स आ गए थे. सो अदरवाइज शूट हो गया था, 15-20 दिन तो हो ही गए थे शूटिंग को. लेकिन मुझे लगता है वो गणपति में थोड़ा मार्केट में फूल के लिए और अगरबत्ती और पूजा का सामान वो सब खरीदने के लिए जो इधर उधर था, तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े थे उस समय, बिकॉज मार्केट में तो दे डोंट फॉलो एनी सोशल डिस्टेंसिंग. और आबादी इतनी है, कहाँ डिस्टेंस करोगे यार. मतलब
हाईवे पूरा ब्लॉक है, यू नो एनीवेयर यू गो इट्स ऑल पैक्ड. लोकल ट्रेन बंद नहीं है तो फुल हाईवे पे ऐसा लगता है कि मतलब लोग 1947 में, हाँ वो 1947 वाला विजुअल आता है कि कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं. अब कहीं ना कहीं शायद वो चलता है, एटीट्यूड आ गया है कि यू नो अब 4-5 महीने जी लिए अब क्या. नहीं, अप्रोच वाइज करेक्ट है, बट जो मैं बोल रहा हूँ ना कि कैजुअल अप्रोच विल लीड टू कैजुअलिटी, वो भी एक है. सो आई थिंक कि consciously aware होना बहुत जरूरी है. And I realized कि all those people who were wearing masks religiously did not get affected. For example, my driver wasn't affected, though he was there throughout. In fact, पूजा वगैरह का सामान खरीदने में भी वो था, लेकिन उसने कभी भी अपने मास्क को उतारा नहीं. एंड kept on, you know, अपने जेब में ही वो रखता है सैनिटाइजर वगैरह, तो he never got affected. जी. मेरा कहीं कुछ casual हुआ है तभी ये casualty हुई है. कहीं पे ऐसे उतरा होगा बस और उसी वक्त उसी वक्त तो खैर चलो, that's everyone, मतलब हर भगवान अगर सबके साथ हो, लेकिन बहुत अब कॉमन हो गया है यार. अब सबसे बुरा इसी बात का लगता है कि ठीक होने के बाद कोई ताली नहीं बजाएगा. थैंक यू सो मच राजेश जी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग विद यू एंड होप यू रिकवर सून. कल का जो टेस्ट या या पॉजिटिव वो तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड यू रिज्यूम शूटिंग सून. Thank you so much. Thank you. Take care of yourself. Bye. Bye.